You humans are the lowest form of filth on this planet. No wonder the flies are attracted to you constantly. You reek of sin and malevolence. You're not even considered humans, but asses. Hey guys, ISAF, यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में स्वागत है आपका। फैक्ट्स वेरेवर यू सी। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे डीमन की कहानी जो कि नरक के 7 राजकुमारों में से एक है। आज की हमारी वीडियो है फियरसम और पावरफुल डीमन बीलजेबब पर। आखिर कौन था बीलजेबब? क्यों उसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज कहा जाता था और कैसे बना वह एक डीमन प्रिंस? एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अन्य रोमांचक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ वीडियो। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है उन कुछ पुराने लोगों से जो कि कनान नामक जगह की साउथ कोस्ट पर रहते थे। वे लोग जिन्हें की किंग नेबूकदनेज़ार 2 के द्वारा मेसोपोटामिया से निकाल दिया गया था। उन लोगों को फिलिस्तीन्स के नाम से जाना जाता था, और ज्यादातर लोग उन्हें ऐसे लोगों के रूप में जानते हैं जिन्होंने इजराइलाइट्स के साथ कितने ही युद्ध किए हैं, और वह भी इस वजह से क्योंकि वह पेगन गॉड्स में विश्वास रखते थे। और जब हम इन पेगन गॉड्स के बारे में सोचते हैं तो एक एंटिटी जो बार बार सामने आती है वह है बाल। बाल को क्वीन जेजेबेल के द्वारा नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल में इंट्रोड्यूस किया गया था जब उसने किंग अहाब से विवाह करवाया था। और बाल वह गॉड था जिसे कि प्रॉफिट एलाइजा के द्वारा माउंट कार्मेल के टॉप पर एक सैक्रिफाइस को जलाने के लिए चैलेंज किया गया था, जो कि बाल ना कर सका था। द बुक ऑफ किंग्स 2 के अध्याय 1 वचन 2, 3, 6 और 16 में भी बीलजेबब के बारे में लिखा गया है। वह एक फिलिस्तीन डेटी था जिसका नाम की बा अलजेबब था। इस स्टोरी में किंग अहाजिया, जो कि किंग अहाब और क्वीन जेजेबल का बेटा था, बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद अपने मैसेंजर्स को फिलिस्तीन सिटी एक्रॉन में देवता बा अलजेबब को ढूंढने के लिए भेजता है, मगर प्रॉफिट एलाइजा के द्वारा उन मैसेंजर्स को रोक लिया जाता है और वह कहता है कि तुम्हारा राजा ठीक नहीं होगा और मर जाएगा, क्योंकि उसने असली परमेश्वर के होते हुए एक अन्य देवता को ढूंढने की कोशिश की है। इस सभी के बाद बीलजेबब को अब्राहमिक रिलीजियंस में एक प्रमुख दानव के रूप में देखा जाने लगा। कुछ क्रिश्चियन थियोलॉजिकल रिसोर्सेस के अनुसार बीलजेबब सैतान का दूसरा नाम है। डीमनोलॉजी बुक में उसे नरक के 7 राजकुमारों में से एक माना जाता है। द डिक्शनरी इन्फर्नल में बीलजेबब को लॉर्ड ऑफ द फ्लायर्स या लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के रूप में लिखा गया है। एक्सट्रीमली पावरफुल एंजल गैब्रियल भी बीलजेबब की शक्ति से प्रभावित हुआ था जब बीलजेबब ने उसे चैलेंज किया था। कुछ अन्य लिखित बताती हैं कि बीलजेबब एक एंजल था, और वह कभी ट्रायल, डैनियल और योफियल के नाम से भी जाना जाता था। वह एक फॉर्मल सेराफ था जो कभी आर्कएंजल गैब्रियल के अधीन आता था, मगर उसने लूसीफर के साथ मिलकर गॉड के खिलाफ विद्रोह किया और परमेश्वर की ग्रेस से गिर गया। वह सैतान और लूसीफर के साथ मिलकर नरक में एक ट्रियम्वायरेट बनाता है, और वह इन्फर्नो के उच्च सम्राटों में से एक है। उसे प्रिंस ऑफ हेल, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, किंग ऑफ ग्लूटनी, ग्लूटोनस किंग, प्रिंस ऑफ डिके, द रोटिंग वन, सैतान्स एडवाइजर, प्रिंस ऑफ वेदर और किंग ऑफ डीमंस के टाइटल के साथ प्रभाषित किया जाता है। इसी के साथ बीलजेबब को शल, विक्ट्री, महिमा, वीरता, वेदर, फर्टिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। गॉड बीलजेबब का असली क्रिएटर था, नामा उसकी पत्नी थी और अवेजिथिबू उसका वंशज था। बीलजेबब की पावर्स के अनुसार उसे एनलिल, हदाद और इंद्रजीत से भी जोड़ा जाता है। उगारेटिक भाषा में टाइटल बाल का अर्थ है लॉर्ड,
और इसे कंजक्शंस के साथ यूज किया जाता है जिसकी मदद से ये एक स्पेसिफिक देवता को दर्शाता है। मगर फिर भी इस नाम की अलग अलग डेफिनेशंस मिलती हैं। एक डेफिनेशन के अनुसार बाअल्जेबब की सीधी ट्रांसलेशन है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। शुरुआत से ही इस फिलिस्तीन देवता को मक्खियों और अन्य पेस्ट के साथ जोड़ा जाता था, जो कि एक्सक्रीमेंट पर रहती और उसे ही खाती थी। और हेलेनिक वर्ल्ड में भी ऐसे ही बीइंग का उल्लेख मिलता है, जिसे कि ज्यूस, अपो, मायोस और मीग्रोस कहा जाता है। उगारिटिक टेक्स्ट ये बात कंफर्म करता है कि बाअल मक्खियों को किसी इंसान से दूर भगाता था, जो कि उस इंसान की बीमारी का कारण बनती थी। कुछ फिलोसफर्स के अनुसार इस फिलिस्तीन डेटी का असल नाम बाअल्जेबुल हो सकता है, जिसका अर्थ है वह देवता जो स्वर्ग में रहता है, मगर इजराइलाइट्स ने उसे अपमानजनक बनाने के लिए बाअल्जेबब कर दिया था। एंशियंट ग्रीक लिखित सेप्टुआजिंट में डेटी के नाम को बाअल्जेबब और बालमुइया, जिसका अर्थ बाल ऑफ फ्लाइस है, लिखा गया है। हालांकि सीमाचुस ने इस नाम को लिखते समय इसे ऑफेंसिव एंशियंट ट्रेडिशनल मोड देने के लिए बेल्जेबूल लिख दिया था। द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन में भी एक डीमन प्रिंस का उल्लेख मिलता है, जो था बेल्जेबूल। जब यह डीमन सोलोमन से मिला तो उसने सोलोमन से कहा कि वह एक लीडिंग हेवनली एंजल था और जो कि द स्टार हेस्पेरस से संबंध रखता था। यहां पर बता दूं कि हेस्पेरस इवनिंग स्टार प्लैनेट वीनस का एक आम ग्रीक नाम है, और फिलोसोफर्स ने इस स्टेटमेंट के आधार पर बेल्जेबूल को लूसीफर का ही एक अन्य नाम बताया था। द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन एक ओल्ड टेस्टामेंट स्यूडेपिग्राफिकल लिखित है, जो कि किंग सोलोमन के द्वारा लिखी गई होने का दावा करती है। और इस लिखित में ऑथर ने मुख्य रूप से उन डीमंस का उल्लेख किया है जिन्हें कि उसने सोलोमन के टेंपल को बनाने के लिए गुलाम बनाया था। और ऑथर ने अपनी लिखित को मुख्य रूप से क्रिश्चियन इंटरपोलेशन के तहत लिखा था। तो सोलोमन की स्टोरी की शुरुआत होती है तब जब सोलोमन को आर्कएंजल माइकल से एक सिग्नेंट रिंग मिली थी, जिसकी मदद से वह डीमंस को मैनिपुलेट करता था। उसने डीमन ऑर्नियस को मैनिपुलेट किया था और अपने टेंपल के निर्माण के लिए उससे स्टोन्स को कट करवाया था। पर जब सोलोमन को लगा कि वह इस डीमन के साथ लंबे समय तक क्या करेगा, तो उसके उत्तर में उसने आर्कएंजल उरियल को बुलाया। उरियल अब्बिस से बाहर निकला और उसने सोलोमन को डीमन की फेट के बारे में बताया। उसने ऑर्नियस को कहा कि वह वहां पर वापस जाए जहां पर से वह आया था और अपने लीडर बेल्जेबब को बुला कर लाए। ऑर्नियस को सोलोमन की रिंग दी गई, जिसको कि वह बेल्जेबब के अगेंस्ट यूज कर सकता था। तो फिर ऑर्नियस फिंगर रिंग को लेकर बेल्जेबब के पास जाता है, जो कि सभी डीमंस का राजा था। वह बेल्जेबूल से कहता है कि तुम्हें सोलोमन बुला रहा है। मगर ये सुनने के बाद बेल्जेबब ऑर्नियस से पूछता है कि ये सोलोमन आखिर है कौन, जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो। तब ऑर्नियस रिंग को बेल्जेबूल की चेस्ट पर दे मारता है और उसे कहता है कि सोलोमन द किंग तुम्हें बुला रहा है। इस सभी से गुस्सा हो बेल्जेबब जोर की आवाज में गुर्राता है और ऑर्नियस के पीछे चल देता है सोलोमन से मिलने के लिए। जब ऑर्नियस के द्वारा बेल्जेबब को सोलोमन के पास लाया जाता है, तब सोलोमन पूछता है कि वह कौन है। तब बेल्जेबब बताता है कि वह डीमंस का प्रिंस है और सभी चीफ डीमंस उसके अधीन आते हैं। वह सोलोमन को बताता है कि वह प्रत्येक डीमन का रूप प्रकट कर सकता है और अगर सोलोमन चाहे तो वह संसार की सभी दुष्ट आत्माओं को उसके पास ला सकता है। सोलोमन बेल्जेबब की इस बात से उत्सुक होते हुए उसे पूछता है कि क्या उसके पास कोई फीमेल डीमन भी है। बेल्जेबब कहता है कि उसके पास फीमेल डीमंस भी हैं और वह अब्बिस में से ओनोस्केलिस नामक फीमेल डीमन को लाता है। सोलोमन ने टेस्टमेंट में लिखा है कि उस फीमेल डीमन का आकार बेहद सुंदर और गोरा था और औरत के पैरों की जगह उसके पास म्यूल के पैर थे। सोलोमन अन्य डीमन से मिलता रहा और उनमें से कुछ को उसने अपने टेंपल को बनाने का आदेश भी दिया।
और इनमें से सबसे फेमस था डीमन एस्मोडियस। पर इस सभी के बाद उसने बीलजेबब को एक बार फिर से बुलाया और वे दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते थे और बीलजेबब के लिए सोलोमन ने अ सीट ऑफ ऑनर का भी निर्माण करवाया था। फिर सोलोमन बीलजेबब से पूछता है कि वह ऐसा जीवन क्यों जी रहा है, जिसके उत्तर में बीलजेबब बोला कि मैं सिर्फ अकेला ही था जिसने स्वर्ग के दूतों को छोड़ा था और नीचे आ गया था, और मैं पहले स्वर्ग में पहला एंजल था जिसे बीलजेबुल का नाम मिला था, पर अब मैं उन पर राज करता हूं जो टार्टरस में बंधे हुए हैं। मेरा एक पुत्र भी है जो कि रेड सी पर अपना राज करता है, और वह मुझे मिलने भी आता है और अपने किए कामों के बारे में मुझे बताता है, जिसमें कि मैं उसकी सपोर्ट भी करता हूं। बीलजेबब सोलोमन के प्रेशराइज्ड करने पर भी उसे अपने बेटे का नाम नहीं बताता, मगर उसे कहता है कि अगर वह उसे मिलना चाहता है तो उसे खुद से ही उसे बुलाना पड़ेगा और वह आएगा भी। सोलोमन बीलजेबब से उसके मोटिव्स के बारे में भी पूछता है और वह कहता है कि मैं राजाओं को खत्म करने के लिए आया हूं, मैं खुद को विदेशी अत्याचारियों के साथ मिलाता हूं और मैंने दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों पर लगाया है कि वह उन पर विश्वास करें और खो जाएं, और परमेश्वर के चुने हुए सेवकों, याजकों और विश्वास योग्य पुरुषों में मैं दुष्ट पापों, दुष्ट विधर्मियों और अधर्म के कामों की लालसा पैदा करता हूं, और वह मेरी आज्ञा मानते हैं और मैं उनके विनाश का कारण बनता हूं। मैं लोगों में जेलसी पैदा करता हूं और उन्हें हत्या, युद्ध, भयविचार और अन्य बुरी बातों के लिए प्रेरित करता हूं, और मैं इस दुनिया का नाश भी करूंगा। सोलोमन ने यह भी जाना कि बीलजेबब किस चीज से डरता है। बीलजेबब कहता है कि परमेश्वर का नाम मुझे हराने के लिए काफी है और उसका नाम लेते ही मैं उस जगह से भाग जाता हूं। मार्क अध्याय 3 वचन 22 में स्क्राइब्स के द्वारा जीसस को ये कहकर एक्यूज किया गया था कि वह डीमंस के राजकुमार बीलजेबुल की पावर के साथ लोगों में से डीमंस को निकालता है, और बीलजेबुल नाम का उल्लेख मैथ्यू अध्याय 12 वचन 24 और 27 और ल्यूक अध्याय 11 वचन 15, 18 और 19 में भी मिलता है। इसी के साथ मैथ्यू के अध्याय 10 वचन 25 में भी आप इस नाम को पढ़ सकते हैं। ये पूर्ण रूप से अस्पष्ट है कि क्या सिमाचुस द एबियोनाइट इन नामों की पहचान करने में सही था या नहीं, क्योंकि इसके अलावा इस नाम का स्पष्टीकरण और कहीं भी नहीं मिला है। जेबोल शब्द शायद जेबब और जेबेल का एक स्लर्ड वर्जन था, जिसका टारगम्स लिखित में अर्थ था गोबर। बीलजेबब को द न्यू टेस्टामेंट में डेविल और द प्रिंस ऑफ डीमंस के रूप में पहचाना जाता है। बिब्लिकल स्कॉलर थॉमस कैली खेइने के अनुसार बीलजेबब का इस्तेमाल बालजेबुल, जिसका अर्थ है द लॉर्ड ऑफ हाई प्लेस और हाई लॉर्ड, को अपमानित करने के लिए भी किया गया था। अरेबिक में इसे बाल जाबुल में ट्रांसलेट किया गया था। अन्य क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में बीलजेबब को नरक की हायरार्की में उच्च स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है, और 16th सेंचुरी के ओकल्टिस्ट जोहन वेयर की स्टोरीज के अनुसार बीलजेबब ने नरक में डेविल के खिलाफ एक रिवोल्ट का नेतृत्व भी किया था। इस रिवोल्ट में वह लूसीफर, जो कि हेल का एम्परर है, का चीफ लेफ्टिनेंट था और मॉर्निंग स्टार के सबसे वफादारों में से एक था। इस रिवोल्ट के बाद बीलजेबब को सभी दुष्ट उड़ने वाले क्रीचर्स पर प्रभुता मिल गई थी। 17th सेंचुरी के एग्जॉर्सिस्ट सेवेस्टिन मिखाइलिस ने अपनी लिखित एडमायरेबल हिस्ट्री में बीलजेबब को 3 सबसे प्रमुख फॉलन एंजल्स में रखा था। अन्य 2 फॉलन एंजल्स लूसीफर और लेवियदन थे। जॉन मिल्टन ने अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी, में एक अनहोली ट्रिनिटी का जिक्र किया था। इसमें उसने बीलजेबब, लूसीफर और एस्तारोथ को शामिल किया था, और उसने स्वर्ग में से गिरने वाले एंजल्स में बीलजेबब को दूसरे स्थान पर रखा था।
जॉन बनियन ने भी अपने लिखित द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 में बीएलजेबब को शामिल किया था, जहां पर सेबेस्टियन मिखाइलिस ने बीएलजेबब को द डेडली सिन ऑफ प्राइड के साथ जोड़ा था। वहीं पर पीटर बिंसफेल्ड ने उसे सेवन डेडली सिंस में से ग्लूटोनी का डीमन लिखा था, और फ्रांसिस बैरेट ने कहा था कि वह प्रिंस ऑफ आइडोलेट्री था। रिलीजियस सर्कल्स में डीमन पोजेशंस के आरोपों को इंसल्ट और अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज किया गया है। ऐसे ही फारीसीस ने भी जीसस पर बीलजेबब की पावर्स के साथ लोगों को ठीक करने का आरोप लगाया था, और उन्होंने उन लोगों को भी इस डीमन की बुरी शक्तियों से पोजेस्ड होने का दावा किया था जिनके बर्ताव को वे एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। हिस्ट्री में बीलजेबब को कई डेमोनिक पोजेशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें सबसे फेमस था 1611 में घटित एक सेंट प्रोविंस की सिस्टर मेडलिन दे डेमांडॉक्स दे ला पालुद का केस। कहा जाता है कि सिस्टर मेडलिन के फादर जीन बैप्टिस्ट जो फादरी के साथ संबंधों ने कई अनगिनत दर्दनाक घटनाओं का नेतृत्व किया था, जिनका खुलासा उसके इंक्यूसिटर्स ने किया था, और इन्हीं इवेंट्स के साथ फादर जोफ्रीडी के टॉर्चर और एग्जीक्यूशन को भी जोड़ा गया था। बीलजेबब को सालेम मैसाचुसेट्स में भी अपना प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, और उसका नाम सालेम विच ट्रायल्स के दौरान बार बार सामने आया था। इस सभी के बाद रेव कॉटन मेदर ने एक पैम्फलेट भी लिखा था जिसका टाइटल था बीलजेबब एंड हिज प्लॉट्स। बीलजेबब स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण से कुछ समय पहले अस्तित्व में आया था, और वह सबसे पुराने स्वर्ग दूतों में से एक था। कुछ लिखतें बताती हैं कि वह लूसीफर के आदेशों के अधीन था, और वह उसकी कॉयर और सर्कल का हिस्सा था। लूसीफर के अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स के बाहर बीलजेबब कुछ उन एंजल्स में से था जिनके साथ लूसीफर खुलकर बात करता था। लूसीफर के साथ बना रहने की क्षमता ने बीलजेबब को लूसीफर का सबसे भरोसेमंद सहायक बना दिया था। हेवन में युद्ध से पहले बीलजेबब ने नामा नामक लड़की को खोजा और उसके साथ संभोग किया। नामा ईव की सिस्टर थी, जिसको कि लिलिथ के रेड सी की ओर चली जाने के बाद एडम की बीवी के रूप में चुना गया था। बीलजेबब और नामा के यौन संबंधों के कारण अवेजेथीबु का जन्म हुआ। जल्द ही अवेजेथीबु बड़ा हो गया और वह अपने पिता की फौज में शामिल हो गया, मगर परमेश्वर के साथ धोखे की वजह से नामा को ईश्वर के दायरे से बाहर कर दिया गया। जब हेवन में सिविल वॉर शुरू हुई तो लूसीफर ने बीलजेबब को अपनी एंजल आर्मी में सेकंड इन कमांड के रूप में चुना था। घमासान युद्ध में लूसीफर बीलजेबब और उनकी एंजेलिक आर्मी को आर्क एंजल्स के द्वारा हरा दिया गया था। बीलजेबब अपने अपराधों की वजह से स्वर्ग में से निकाले गए विद्रोही स्वर्गदूतों में एक तिहाई में से एक था, और वह सभी 9 दिन और रातों जितने लंबे समय तक स्वर्ग में से गिरते गए और अंत अबिस नामक जगह पर जा पहुंचे। उन सभी की इस भयानक टक्कर ने एक ऐसा चेन रिएक्शन क्रिएट किया जिससे कि वह खाली जगह एक फायरी स्पेस में तब्दील हो गई, और जिसे कि हेल के नाम से जाना जाने लगा। अपनी इटर्नल इम्प्रिजन रेस्ट से जागने वाले एंजल्स में सैमायल के बाद दूसरे नंबर पर बीलजेबब था, और उसकी शक्ति को उसमें पूर्ण रूप से देखते हुए उसे लूसीफर के साथ हेल का को सुप्रीम मोनार्च बना दिया गया। हालांकि इससे पहले कि बीलजेबब और उसके साथी इस नए नर्क पर पूर्ण नियंत्रण कर पाते, उन्हें वहां पर द थ्री ग्रेट इवल्स, जिन्हें कि द प्राइम इवल्स के नाम से जाना जाता था और जो कि अबिस पर रहते थे और यूनिवर्स के बनने के बाद पैदा हुए थे, का सामना करना पड़ा। बीलजेबब, लूसीफर और सैतान उन तीन प्राइम इवल्स के साथ लड़े। बीलजेबब का सामना उन तीन प्राइम इवल्स में से एक दल मेफिस्टोस के साथ हुआ। घमासान युद्ध के बाद बीलजेबब ने लॉर्ड ऑफ फेटर्ड को हरा दिया और उसे और उसके दो भाइयों को हेल की सीमाओं से परे अबिस में फिर से धकेल दिया गया।
उन तीनों प्राइम इवल्स को रस्ते से हटाने के बाद बेलजबब ने हेल के असली राजकुमारों के साथ उस जगह को जीत लिया और उसे अपना डोमेन बना लिया। हेल को जीतने के बाद उसने ना सिर्फ सभी फॉलन एंजल्स पर राज किया पर उन डीमंस पर भी राज किया जो अब्बिस के मूल निवासी थे। उसने हेल के सेंटर में एक भव्य और शानदार महल का निर्माण करवाया जिसे कि पेंडेमोनियम का नाम दिया गया। पेंडेमोनियम को हेल की कैपिटल घोषित कर दिया गया और बेलजबब खुद सैतनिक ट्रियम्बायरेट का हिस्सा बन वहां पर पूरन राज करने लगा। इस सभी के बाद उसने कई इलीट और रॉयल डीमंस को साथ मिलाकर द ऑर्डर ऑफ फ्लाई नामक कोर्ट का निर्माण किया जो उसका निजी दरबार था। बेलजबब द इन्फर्नो का को सुप्रीम मोनार्च होने के साथ साथ लूसीफर और सैतन का एडवाइजर भी था और स्टीजियन काउंसिल में बेलजबब के द्वारा दिए जाने वाले ओपिनियंस और सुजेशंस अन्य दो फॉलन एंजल्स के द्वारा हमेशा सही माने जाते थे भले ही अन्य कियोटिक एंजल्स उनसे सहमत हों या ना हों। सच बात तो यह है कि बेलजबब ने ही लूसीफर को सुझाव दिया था कि वह परमेश्वर की बनाई गई ह्यूमन काइंड को भ्रष्ट करे जिससे कि परमेश्वर को नुकसान होगा। बेलजबब उन एंजल्स में से था जो कि लूसीफर की द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर योजना को गहराई से जानता था और वह डीमंस को गाइड करता था कि वह ह्यूमंस को उन इवेंट्स के लिए गाइड करे जिससे कि धरती पर लूसीफर के यूटोपिया का निर्माण हो सके। मगर इस सभी के बीच मंडस ने आर्कएंजल जोफियल को लूसीफर की योजना के बारे में बता दिया और इस सभी के बाद आर्कएंजल्स मॉर्निंग स्टार को अपना बंदी बनाने में कामयाब हुए और मंडस ने हेल के थ्रोन पर कब्जा कर लिया। बेलजबब और सैतन मंडस की इस हरकत के बारे में जानते थे मगर बेलजबब ने सैतन को मंडस के अगेंस्ट जाने से रोका और लॉर्ड ऑफ फ्लाइस ने सैतन से ये वादा किया कि मंडस का राज ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और ये सब भी लूसीफर के प्लान का ही एक हिस्सा था। मंडस का शासन भी इसके प्रतिरोध के बिना नहीं था और डीमन किंग बेलायल मंडस के राज से दुखी हो चुका था और उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मंडस ने बेलजबब से मदद की गुहार की और उसे बेलायल को रोकने के लिए कहा। बेलजबब इस सभी के लिए मान गया क्योंकि ये लूसीफर की आजादी की योजना का हिस्सा था और ये सभी मंडस की समझ से बाहर था। बेलजबब ने बेलायल को हरा दिया और लॉर्ड ऑफ प्राइड को हेल के नाइन्थ सर्कल में लेजेंडरी डार्क नाइट्स पाडा की निगरानी में फेंक दिया गया जो कि द नाइट्स ऑफ हेल पर राज करता था। अंत अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो बेलजबब का रहस्य अभी भी बहुत बड़ा है और वह बेहद उलझा पड़ा है। जहां पर कई लोग उसे लूसीफर या राक्षसों के राजकुमार के तहत दूसरा सबसे मजबूत डीमन मानते हैं, अन्य लोग उसे प्राचीन काल में फिलिस्तीन्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले एक बदनाम अपमान के अलावा और कुछ नहीं देखते हैं। यह भी काफी उल्लेखनीय है कि बेलजबब ने बाइबल के बाद के साहित्यों में एक उल्लेखनीय उपस्थिति स्थापित की है और आज भी वह दानव विज्ञान के इर्द गिर्द घूमने वाले कई विचारों के लिए एक बड़ी जगह बना हुआ है। मगर फिर भी वह शारीरिक रूप से बाइबल में नहीं दिखा। जहां पर अहाजिया ने उसका उल्लेख अपने भगवान के रूप में किया था वहीं पर प्राचीन यहूदी समूहों द्वारा यीशु की निंदा करने के लिए उसका नाम यूज किया गया था। मगर इसके बाहर बेलजबब का डॉक्ट्राइन्स पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। एंड दैट्स ऑल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट अ मोस्ट फेमस डीमन। हाउ वाज इट? टेल मी थ्रू योर कमेंट्स। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। आई सेफ, स्टे ब्लेस्ड।